1996 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म अंगारा तो आपने देखी ही होगी, जिसमें बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती एक जिम्मेदार बेटे का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। इस किरदार को मिथुन दा ने बहुत ही अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा था। इनके शानदार प्रदर्शन को देख लोगों ने इनकी जमकर तारीफ भी की थी, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया। फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए अब फिल्म के डायरेक्टर ने इसका पार्ट 2 बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, अब बहुत जल्द ही अंगारा 2 बड़े पर्दे पर प्रसारित होने वाली है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म अंगारा 2 के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं कि फिल्म में कौन सी होगी स्टार कास्ट, क्या होगी कहानी और यह फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही अपकमिंग फिल्म अंगारा 2 के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनिल गांगुली के द्वारा निर्देशित फिल्म अंगारा साल 1996 में बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई थी। यह फिल्म एक पारिवारिक कहानी पर आधारित थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती सागर के किरदार में अपनी माँ, छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ रहते हैं। वह अपने पिता से कभी नहीं मिले क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही सागर की माँ को छोड़ दिया था। शुरू में सागर एक चोर होता है, जिस दौरान वह एक आदमी ओम प्रकाश के पास आता है, जो उसे अपने पिता को खोजने में मदद करता है। लेकिन ओम प्रकाश की सागर को लेकर कुछ और ही योजना होती है, जो सागर को बहुत जल्द पता चल जाती है। और बस यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी, जिसमें इमोशनल कहानी के साथ साथ कई रोमांटिक सॉन्ग्स और कॉमेडी भी देखने को मिली थी, और इसी कहानी को लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। वह अंगारा फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए अब डायरेक्टर अनिल गांगुली नहीं बल्कि बाबर सुभाष इस फिल्म के सेकंड पार्ट को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर अनिल गांगुली अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके कारण अब बाबर सुभाष इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले भी मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्मों को डायरेक्ट किया और इसी फिल्म की कहानी पर काम शुरू भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली होगी, जिसमें हमें एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ इमोशन का भी डबल डोज देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में इस बार मिथुन चक्रवर्ती नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे महाक्षत चक्रवर्ती लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले भी जिमी जैसी हिट फिल्मों में शानदार काम कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं फिल्म में हीरोइन के तौर पर महाक्षत चक्रवर्ती की पत्नी मदालसा शर्मा को ही अप्रोच किया गया है, जो कि एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ एक लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस भी है। वर्तमान में मदालसा सीरियल अनुपमा में अभिनय करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि फिल्म अंगारा में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ही अंगारा 2 में एक खूंखार विलन का किरदार निभाएंगे, जो कि देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी कलाकार ने फिल्म में काम करने के लिए अपनी कंफर्मेशन नहीं दी है और ना ही फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, जिसे देखकर लगता है कि अभी हम सभी को इस फिल्म के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तभी से ही दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। वेल, फिल्म अंगारा 2 में इस ससुर और बहू की जोड़ी को पहली बार देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।